की जो खबर है ये भ्रामक है। क्या किसी खबर के बारे में हम ये नहीं जानते कि ये भ्रामक है या सत्यापित है? नहीं सर, ये पढ़ा लिखा वर्ग है साहब, और ये एक बेरोजगार, उसमें से मेरे में कितने छात्र पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट हैं जो इन अधिकारियों की तरह ये यूपीएससी और बीएससी की परीक्षा पास करने का मानदंड रखते हैं। लेकिन ये यदि ये सरकार ये प्रशासन अगर आपको एक सिपाही बनने से रोकता है तो हम कैसे एक अधिकारी वर्ग की कल्पना कर सकते हैं? तो साथ ही हमारी लड़ाई किसी एक व्यक्ति के कहने से खत्म नहीं होगी, ये निरंतर चलती रहेगी। एक बार बोलेंगे किसी के कहने मात्र से ये खत्म नहीं होगा, ये न्याय की आवाज है, ये झंडा बुलंद होगा। एग्जाम के अलावा कोई बात नहीं होगी। कानून न्यायालय ये सब बांध के चर्चा हो चुकी है, आपके लिए हर अंतिम विकल्प पर विचार किया जाएगा, उसके लिए अध्यापक लीड करेंगे। और मैं कहता हूँ भविष्य में अगर कोई भी कानूनी कार्रवाई होती है या कोई भी कानूनी प्रक्रिया होती है तो आपका भाई आपको मुआवजा करता है। ये मेरे सामने है कि किसी एक बच्चे का प्रशासन में पैसा खर्च नहीं होने देंगे, मैं वो खर्च करूंगा। बोलेंगे भारत माता की दोस्तों, पहले शांत हो गए आप लोग, सभी विद्यार्थी जो बीच में बोल रहे हैं अभी सभी लोग पहले शांत हो गए, जितने विद्यार्थी हैं पहले सभी लोग शांत हो गए हैं। हम लोगों को कुछ लीगल बातें करनी है, पीछे से अभी गाइडलाइन आई है, हम लोगों को उस पर लीगल बात करनी है। आप लोग शांत हो रहे हैं तो हम लोग आगे की बात करें। आप लोग पहले शांत हो गए।